श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 अक्टूबर से कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है और इस मास का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। यह मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो यदि आप इस कार्तिक मास में धन प्राप्ति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, व्यवसाय में नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति चाहते हैं, मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो आपको इस कार्तिक माह की अष्टमी तिथि पर इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। प्रत्येक माह में अष्टमी तिथि दो बार पड़ती है, तो आप इस माह की किसी भी अष्टमी तिथि को यह उपाय कर सकते हैं। कार्तिक मास की किसी भी अष्टमी को आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है? एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र लेकर अपने आसपास के किसी भी शिवालय में चले जाना है। वहां जाकर आपको चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर स्पर्श करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। आप धन प्राप्ति चाहते हैं, संपदा चाहते हैं, नौकरी में व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं या कोई भी समस्या से मुक्ति चाहते हैं, आपको भगवान से प्रार्थना कर देनी है। यदि आप कार्तिक माह की किसी भी अष्टमी को इस उपाय को कर लेते हैं, तो अगले वर्ष तक कार्तिक माह आते तक आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो कार्तिक माह की इस अष्टमी पर इस उपाय को करके देखिएगा और इसके रिजल्ट्स भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।